वेलकम टू शिवानी वेजल रेसिपी। आज बनाएंगे सूजी के भल्ले, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में दाल के भल्ले की तरह ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इस सूजी के भल्ले की रेसिपी को। एक बाउल सूजी लेंगे। यहाँ मैंने मोटी सूजी का यूज़ किया है। इससे भल्ले बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। एक हरी मिर्च जिसे बारीक चॉप कर लिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे भी बारीक चॉप कर लिया है। 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। आधा बाउल दही और आधा बाउल पानी ऐड करेंगे। अच्छे से बीट करेंगे। अब इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। 20 मिनट हो चुके हैं, सूजी फूल चुकी है। इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसे आप अवश्य ऐड करें, तभी भल्ले अच्छे बनकर तैयार होंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसी तरीके का घोल तैयार करना है। गैस पर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम हो गया है और इसमें भल्ले डालेंगे। अब फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मैं इन्हें हाथ से डाल रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी इन्हें डाल सकते हैं। इन्हें हल्का सा ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब इन्हें निकाल लेंगे। सभी भल्लों को इसी प्रकार से सेकेंगे। सभी भल्ले सिक चुके हैं। अब एक बाउल में पानी लेंगे। अब इन भल्लों को पानी में 2 मिनट के लिए डालेंगे। इससे अधिक भल्लों को पानी में ना छोड़ें, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। अब इन्हें हल्का सा प्रेस करते हुए पानी से निकालेंगे, जिससे भल्ले सॉफ्ट हो जाएंगे और इनमें से ऑयल भी निकल जाएगा। अब दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही अभी गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और आधा चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। भल्लों के ऊपर दही डालेंगे। ऊपर से अमचूर की चटनी डालेंगे। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। थोड़ा सा नमक, भुना पिसा जीरा, लाल मिर्च पाउडर, इन सभी को आप अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड करें। देखिए, सूजी के दही भल्ले बनकर तैयार हैं। जब भी आपका दिल करे, आप इसे बनाकर अवश्य खाइएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव शेयर करें। अब बारी है हमारी टिप की, लेकिन उससे पहले आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं हम अपनी टिप की तरफ। सूजी को हल्का सा रोस्ट करें और उसे ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखें तो सूजी काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।